नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भूबिया। मैं अक्सर बोलता हूं कि कॉलेज में स्टूडेंट से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और लोकतंत्र में जनता से बड़ी। बस अपनी ताकत को समझने की जरूरत है। इसका एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश से आया है, जहां शिवराज सरकार ने स्वर्णों के आगे घुटने टेक दिए हैं और इससे पहले मोदी सरकार भी दलितों के सामने घुटने टेक चुकी है। दरअसल आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों एससी एसटी एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी सरकार ने पलट दिया था। उसके बाद देश भर में स्वर्णों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जगह जगह स्वर्णों ने पोस्टर लगा दिए कि ये गांव स्वर्णों का है, यहां वोट मांगने ना आए, जाइए और दलितों से वोट मांग लीजिए। उनका विरोध कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या कांग्रेस के कमलनाथ या सिंधिया, सबका विरोध हुआ। काले झंडे दिखाए गए। शिवराज मामा को तो पत्थर भी झेलने पड़े। आने वाले चुनाव को देखते हुए स्वर्णों के आक्रोश के आगे शिवराज सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। और बीते गुरुवार को सीएम शिवराज ने ट्वीट किया कि एमपी में नहीं होगा एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग, बिना जांच के नहीं होगी गिरफ्तारी। शिवराज सिंह चौहान के इस आश्वासन भरे ट्वीट पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी। नेहा कक्कड़ नाम की यूजर ने कमेंट में लिखा, असली जनहितेशी है मामा शिवराज, सराहनीय फैसला, कहो दिल से शिवराज मामा फिर से। वैसे आपको बता दूं कि शिवराज मामा फिर से आए या नहीं, लेकिन स्वर्ण वोट बैंक बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है और उसे निराश करना सरकार के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि साल के अंत तक मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है और 2019 भी करीब है। एक ट्विटर यूजर सुल्तान सिंह ने शिवराज के ट्वीट पर जो कमेंट किया वो सुवर्णों के गुस्से का पुख्ता सबूत है। वो लिखते हैं कि मोदी जी के मंत्री मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब स्वर्ण मोदी जी के झांसे में आने वाले नहीं है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार स्वर्णों को झांसा दे रही है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।